जम्मू कश्मीर और गिलगित पार्ट है इंडिया का, एनएन मस्क का कहना है और हमारे ऑफिशियल्स के अकाउंट भी बैन किए गए हैं। क्या हम इस हैसियत में हैं, पाकिस्तानी हैसियत के अंदर है कि वो ये अकाउंट्स को बैन होने से रोक सके या फिर मुंह तोड़ किसी भी मुल्क को जवाब दे सके? क्या पाकिस्तान इस सिचुएशन में है? क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर्स इस तरह का कोई इकदाम उठा सकते हैं? और अगर हम दूसरी जानिब चाइना की बात करें तो हमारे यहाँ हर जगह पर चाइना की शी जिनपिंग की तस्वीर या फिर चाइना के झंडे लगे हुए हैं, तो क्या चाइना हमारा दोस्त है कि चाइना जो भी करे तो हमें आगे से जवाब नहीं देना या फिर हमें प्रोटेस्ट नहीं करना? और चाइना के अंदर भी ऐसे इकदाम हो रहे हैं जिससे पाकिस्तान ये समझे कि हमारे ऑफिशियल लेवल पर जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर सीएम जितने भी बैठे हुए हैं, क्या उनके अंदर ईमान की कमी है? तभी पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है और पाकिस्तान की इतनी क्रिटिकल हालत है कि बार बार वो कर्जों पर लेके पाकिस्तान को चला रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही, अगर उनके अंदर गैरत ईमान नहीं हो और वो शरीयत का जो है ना निफाज अभी भी करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सबसे बेहतर जो है ना उनका मुस्तकबिल हो सकता है। सर एक छोटा सा सवाल है, पीछे हम देखें तो हमारे पुल के ऊपर शी जिनपिंग की तस्वीर लगी हुई है चाइना के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो चाइना का झंडा भी लगा हुआ है, बहुत सी जगह पे लगे हुए हैं और चाइना हमारा दोस्त है 75 सालों से ये चलता आ रहा है। अब चाइना के अंदर नाउज बिल्ला हमारी मस्जिद को ढाने का उनके कोर्ट से ऑर्डर आया था और उनके चाइना के जो पुलिस वाले थे उन्होंने वो हथौड़े पकड़ के उसको नाउज बिल्ला तोड़ा भी था मस्जिद को। अब सर वहाँ पर जो हुआ हम लोगों में से किसी ने एहतजाज भी नहीं किया, क्या हमारे न्यूज पे नहीं आया? क्या हमें उस चीज की आगाही नहीं है? क्या फिर हम समझते हैं कि जहाँ से पैसा आ रहा है उसके लिए चुप आवाज बंद, जहाँ से पैसा नहीं आ रहा या जो भी है उसके लिए हम आवाज उठाते? क्या वजूहत है चाइना के लिए हम क्यों नहीं बोलते? चाइना के लिए इसलिए नहीं बोलते कि एक तो अवाम में इतना शोर नहीं, अवाम को इतना वो बताते भी नहीं है। मुसलमानों के वहाँ पे कत्ल गारत बहुत ज्यादा है चाइना के अंदर भी और उनको तरह तरह की अजियत दी जाती है। ये मस्जिद का अभी तक मेरे ख्याल में इतने ज्यादा लोगों को इलम है ही नहीं इस चीज का, आया नहीं जाता क्योंकि हमें वहाँ से बहुत अच्छे पैसे आते हैं, ट्रेड होती है। क्या यही वजूहत है जो हमें पैसा देगा हम उसके लिए जुबान बंद रखें चाहे वो जो मर्जी करता रहे? जी जो भी मुल्क पाकिस्तान की इमदाद देगा चाहे वो जो मर्जी करे हमारे दीन के साथ, इस्लाम के साथ या किसी भी नबी के साथ, तो इधर से कोई भी आवाज जो है ना उठाने वाला कोई भी नहीं होगा सिवाय तारिक नबी पाकिस्तान के अलावा। सर एक छोटा सा आखिरी सवाल है मेरा, अभी मैंने बहुत से लोगों को देखा कि उन्होंने उसके झंडे पकड़े हुए थे कश्मीर के, अब कश्मीर के झंडे पकड़ के लोग जा रहे हैं, वो कश्मीरी तो सारे नहीं है, वो पाकिस्तानी भी हैं, बीच में उन्होंने झंडे पकड़े हुए हैं। अब सर झंडे पकड़े हुए हैं और यौम यकती के दिन पे हम आवाज उठाते हैं, सर मुझे बताइएगा कश्मीर के लिए एक्चुअल में हमने किया क्या है? अगर मैं बात करूँ आज की न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, एलन मस्क आपको पता होगा ट्विटर के ओनर, उन्होंने हमारे ऑफिशियल अकाउंट्स बैन किए हैं और एक ट्वीट किया है और मतलब ऑफिशियल कोई और एक स्टेटमेंट दिया कि गिलगित और जम्मू कश्मीर इज द पार्ट ऑफ इंडिया। सर इतनी बड़ी स्टेटमेंट दिया और सऊदी अरेबिया ने भी अपने 20 रुपीज के नोट के ऊपर आजाद कश्मीर को जम्मू कश्मीर का पार्ट डिक्लेयर किया इंडिया के साथ। सर हम ऐसे इकदाम को किस तरह नजरअंदाज कर सकते हैं? हम तो कहते हैं हम कश्मीर हमारा शहर रख गया, लेकिन कश्मीर हमने खुद ही बेचा है, तो इमरान खान साहब ने खुद कश्मीर बेचा है और उसके अलावा जो है ना कश्मीर हम सीरियस है ही नहीं कश्मीर को हासिल करने के लिए। जिस दिन हम कश्मीर हासिल करने के लिए सीरियस हो जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है कश्मीर पाकिस्तान के शहर है और वो पाकिस्तान हासिल करके रहेगा। तो लेकिन मैं ये समझती हूँ फिर जैसे आपने बताया कि हम सीरियस नहीं है तो जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जाके डिबेट करते हैं, स्पीच करते हैं या फिर हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में भी स्पीच करके बताते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, क्या वो फिर गुमराही है पाकिस्तानी लोगों के लिए? जी सब झूठ है, ये अंदर से एक जैसे साथ मिले हुए हैं, कश्मीर के लिए कोई सीरियस नहीं है और इन्होंने कभी भी आजादी नहीं। मगर पाकिस्तान की कंडीशन काफी अर्से खराब चल रही है और अभी तक ठीक नहीं हो रही, कौन चाइना सऊदीया टर्की लोन्स दे दे के पाकिस्तान को रिकवर करते जा रहे हैं। इस सिचुएशन की बात कर रही हूँ, क्या इस चीज को जो इकोनॉमी स्ट्रांग रखता है, जिसके पास टेक्नोलॉजी होती है, जिसके पास मनी होती है, इज्जत उसी की होती है। आज अगर हम दुनिया की बात करें तो पाकिस्तान की क्या आपको लगता है उस तरह से रिस्पेक्ट की जा रही है? पाकिस्तान ऑफिशियल्स की उस तरह से रिस्पेक्ट की जा रही है जब भी हमारे ऑफिशियल दूसरे मुल्कों में जाते हैं? देखें हमारे ऑफिशियल हमेशा अपने मकसद के लिए जाते हैं, अपना पेट भरने के लिए जाते हैं, खाली कशकोल लेके जाते हैं, कभी भी ये गैरत ईमानी के लिए नहीं गए। जितने भी बाकी बाहर के लोग हैं वो कम से कम अपने जो भी उनका मजहब है उसके लिए वो गैरत रखते हैं। उनके एक बंदे को यहाँ पे मतलब कि जेल में डाला गया, वो पीछे वो एक आसिया मलूना भी थी, उसका भी केस था, तो वो एक औरत के लिए उन्होंने पूरा यूरोप भुला दिया, उन्होंने अपनी यूरोपियन यूनियन में उसकी बातें की, उन्होंने कहा जी हम लेकर ही आएंगे और वो उन्होंने अपनी गैरत इतनी दिखाई कि वो अपनी बंदी को यहाँ से लेके गए हैं। हमारे में क्या, हाँ हमारे पास क्या होता है, हमारे वहां से आके वो जॉर्ज क्या नाम था उसका जो इनका जनरल था रेमंड डेविस, वो भी एक अलग केस है, उनका एक जनरल था जिसने आगे इस्लामाबाद की सड़क पे दो सगे बाप बेटे जो थे उनको कुचल दिया था स्पीड से ड्राइव कर रहा था,
वो अपना जनरल ले गए हैं, हम कोई एक्शन नहीं कर सके। हम आज तक अपनी बेटी आफिया सदीकी को नहीं वापस ला सके, हम उसके लिए खत नहीं लिख सके। अब भी जो है वो हमारे एहतजाज के ऊपर हमारे जो मामला तो पीछे जो मुआहदा हुआ है लॉन्ग मार्च के दौरान, उसके दौरान उन्होंने कहा है कि जी ठीक है हम करेंगे इसके ऊपर। बहुत से रिक्शों पे बाइक्स पे कश्मीर के झंडे देखे हैं, मतलब कश्मीर के झंडों का साइन देखा है। आप मुझे बताइएगा कि कश्मीर के झंडे, अब ये कश्मीरी तो नहीं है सारे हैं, कश्मीर के झंडे उठाए हुए हैं, अब कश्मीर के झंडे भी उठाए हुए हैं तो हमने कश्मीर के लिए क्या किया, हमारी गवर्नमेंट ने कश्मीर के लिए क्या किया सिर्फ एक योम यकजहती के दिन आवाज उठाने के अलावा? देखे हमारी पिछली हुकूमत ने भी माशाल्लाह से पूरा 10 मिनट धूप में खड़े रह के उन्होंने कहा कि हम ज्यादा यकजहती कर रहे हैं, और जो कोई कश्मीर की मदद के लिए जाएगा वो कश्मीर का भी गद्दार है, वो मुल्क का भी गद्दार है। ये तो डिक्लेयर, ये फतवे जो हैं ये किसी मौलवी ने नहीं दिए, वो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर ने दिए थे। अब जो मौजूदा है वो तो कहते तो अपने आप को बाटे हैं, वो उधर के कश्मीरी कहलाते हैं, ये जो नवाज शरीफ वगैरह हैं या सुभाष शरीफ, लेकिन इनके अंदर भी अपने इलाके की भी क़यादत नहीं है। बंदे के अंदर होता ना कि यार मेरी ज़मीन है, क्यों कोई क्यों हथे आगे ले जाए, इनके अंदर वो चीज भी नहीं रही भी। ये इंशाल्लाह ताला जब तरीके लबाई कवाई एक स्टेटमेंट आ जाइए, बहुत ज्यादा ट्विटर पे ट्वीट हो ही जा रही थी, यहाँ पर ऑफिशियल के अकाउंट्स भी बैन कर दिए गए हैं, आज ही आप देख सकते हैं। वहाँ पर एलन मस्क ने ऑफिशियली ट्वीट किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर के अकाउंट पे, उन्होंने कहा है कि गिलगित इज इंडिया, पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब कि गिलगित और जम्मू कश्मीर सॉरी आजाद कश्मीर वो इंडिया का पार्ट है, एलन मस्क ने कहा है। अब यहाँ पर अगर हम थोड़े पीछे सिनेरियो की बात करें तो जब यूएस के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे तो एलन मस्क ने कहा था मोदी मैं फेवरेट हीरो, मतलब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, वो भी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। तो अब इन चीजों का मकसद क्या है कि आज ऑफिशियली ट्विटर के ट्वीट करने पे उन्होंने ये कहा और हमारे ऑफिशियली अकाउंट भी बैन कर दिए गए? अब हम इस हैसियत में भी नहीं है कि वो अकाउंट बैन ना हो, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं है। अगर पॉइंट टू भी हम देखें तो यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं सर? एहतजाज पूरा मन एहतजाज है, हमारा इस्लाम भी कहता है, लेकिन एहतजाज से भी फायदा हो तब एहतजाज अच्छा लगता है। आप मुझे बताएं हमारे ऑफिशियल लेवल पर किया क्या जा रहा है कि आज सब उठकर कह रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने भी अपने 20 रुपीज के नोट के अंदर जब वो इंडिया को गिफ्ट किया तो उसके अंदर बाकायदा जम्मू आजाद कश्मीर को जम्मू कश्मीर का पार्ट डिक्लेयर किया कि इंडिया का पार्ट है। फिर सर हम क्या चेंज कर रहे हैं? और दूसरी बात मैं आपको बता चलूँ, टर्की के अंदर 80,000 लोग जो कि डंकी मार के गए हैं उनकी भी डिसरिस्पेक्ट की गई, उन्हें भी निकाला गया है। किसकी गलती? हमारी गलती, हम डंकी मार के गए, हम लोगों ने खिलाफ वर्जियाँ की। सर इस पर आपकी क्या राय है? देखें पहली बात कश्मीर वाली, कश्मीर तो सिर्फ हम लोगों की वजह से है जो ये डरते हैं कि यार इसको अभी तक पाकिस्तान के साथ ही मिला के रखें या एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी रखें, वरना कश्मीर का तो सौदा भी कब का हो चुका है। कश्मीर पूरी दुनिया के अंदर हर एक के खाते में वो इंडिया के नाम चढ़ चुका है। इसमें सिर्फ अगर इनके पास रुकावट है तो वो कुछ चंद लोग हैं जो मुसलमान हैं, जो गैरत ईमानी रखते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जिनकी बदकत की वजह से जो है वो अभी भी डरते हैं, घबराते हैं, उसको ऑफिशियली यहाँ पे इंडिया का डिक्लेयर नहीं करते। तो ये कोई मसला नहीं है, हमने 65 की जंग में आधा दिल्ली भी फतह कर लिया था। तो बाद में जब यूएन वगैरह पड़े, बीच में बाकी सारे मामला हुए, फिर इन्होंने अपनी पानी नहीं पड़ने दिया, वरना ऐसी की तैसी इंडिया की भी दिल्ली पूरा ही ले जाना था, हमने फतह कर लिया था। बहरहाल ये चीज़ें हैं। आपने कहा कि उन्होंने अकाउंट ब्लॉक कर दिए हमारे, तो आप मुझे बताएं कि चीज़ ही उनकी है, वो ब्लॉक करें या उसको चलाएं। आप मुझे बताएं कि चाइना के अंदर क्या चलता है, उनकी अपनी सारी टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे व्हाट्सएप नहीं चलता, वो वीचैट यूज़ करते हैं। गूगल ने उनके साथ टक्कर ली थी, उन्होंने कहा हम आपका सॉफ्टवेयर नहीं मानते, हुवावे ने अपना सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया। तो ये चीज़ें तो इंडिया में, और मैं आपको कट कर रही हूँ, लेकिन हमारे पाकिस्तान में क्या चलता है, आप मेन उधर देखें पुल जो बना हुआ है, नाम नहीं मुझे सही से याद, यहाँ पे पीछे पुल है उसके ऊपर शी जिनपिंग की, चाइना के प्राइम मिनिस्टर्स की वहाँ पे तस्वीर बकायदा, और पाकिस्तान और चाइना का झंडा भी लगा हुआ है। तो सर फिर पाकिस्तान अपने बलबूते पर क्या कर रहा है? अगर हम चाइना 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 करते रहेंगे तो फिर आज 75 साल के बाद भी अगर हम चाइना करेंगे तो सर 75 सालों में क्या हासिल किया हमने? मेरे ख्याल आपने बात नहीं समझी, मैंने सिर्फ एक मिसाल कोट की है कि चाइना ने ये टेक्नोलॉजी बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। उन्होंने, मैंने उनकी मिसाल कोट किया कि उन्होंने वीचैट इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है उसकी जगह पे। क्या करवाया ये तो पूछ रही हूँ, हमने चाइना के, चाइना को हटा के हमने क्या करवाया? हमने हमेशा मुल्क को बताया है कि हमारे पैसे खत्म हो गए, खजाना खाली है, पैसे खत्म हो गए, बस इसके अलावा कुछ भी हमने नहीं बताया। हमने हमेशा इसी के पीछे लगाई रखा है। दुनिया में और बहुत मसाइल हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके लिए आप लोगों ने क्या किया? धूप पड़ती है, इधर पिघल जाते हैं, हर बंदा पिघल जाता है, उसके लिए क्या इकदाम है? कुछ भी नहीं। स्ट्रीट लाइट के ऊपर अरबों रुपया लग गया है, रात के टाइम एक लाइट भी नहीं चलती। हम बेतहाशा मसाइल हैं,
ये इससे काउंटर पार्ट साथ साथ चलते हैं। ये आपका ख्याल है कि कोई भी आ जाए, इधर जादूगर भी आ जाएंगे ना, उनसे भी जो है ये इस टाइम जो कंडीशन है पूरे तौर पे हल नहीं होनी, इसको बहुत प्रॉपर टाइम चाहिए। असल में एक एम होता है कि बंदे ने अगले 5 साल में किधर अपने आप को स्टैंड करता देखता है। बाप भी जो होता है ना वो अपने बच्चे के लिए देखता है कि मैं ये बच्चा 4 साल बाद यूनिवर्सिटी में पढ़ के आगे किस फील्ड में जाके जॉब करेगा, क्या करेगा, क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा या कंप्यूटर साइंस में इंजीनियर बनेगा, क्या करेगा। हमारे जो जितने भी हैं सियासतदान, इनका क्या एम है, इनकी क्या विजन है, क्या मिशन है इनका? कुछ भी नहीं, बस वो कहते हैं कि 5 साल कैसे पूरे करने हैं। अब आवाम को भी ये बताना जी पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, आप लोग भी टैक्स दें, बाहर जाएंगे, बाहर भी वो अपनी खाली जेबें दिखाएंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमें पैसे दे दें, ये तुर्की